हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो यार, द फैमिली मैन सीजन 2 को रिलीज होकर कितने दिन हुए, लेकिन कुछ चिरकुट यूट्यूबर ऐसे कि साला रिलीज होते ही नेक्स्ट डे ही बता दिए कि बस का सीजन 3 कब रिलीज होगा। तो यार, ये लोग तो राज एंड डीके के भी बाप निकले। यार साला राज एंड डीके भी लगता मुझे इनसे पूछकर स्क्रिप्ट तैयार करता होगा कि भाई मैंने ये स्क्रिप्ट तैयार की है, मैं इसको कब रिलीज करूँ, इसमें कौन से एक्टर लूँ। अरे या तो फिर ये लोग चूतिया है, या तो फिर ये लोग अपनी ऑडियंस को चूतिया समझते, या तो फिर इनको पता है कि इनकी ऑडियंस ही चूतिया है, इसीलिए ये लोग इस तरीके की चूतिया पंती वाली हरकत करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि द फैमिली मैन सीजन 3 कब आएगा, तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता कि द फैमिली मैन सीजन 3 कब आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ राज एंड डीके को ही पता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको गारंटी के साथ एक चीज़ कह सकता हूँ कि कोई भी जो बड़ा डायरेक्टर होता है या बड़ा क्रिएटिव पर्सन होता है, वो कभी भी चाहता है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें करे, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करे अपने पूरे करियर में। और राज एंड डीके उन क्रिएटर्स में से एक है जो चाहते हैं कि दूसरे नए नए एक्टर्स के साथ भी काम करे, कुछ नए नए प्रोजेक्ट पर भी काम करे। और राज एंड डीके के पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर वो लोग काम कर रहे हैं, जिस पर वो लोग काम करना चाहते। तो ऐसे में वो लोग द फैमिली मैन सीजन 3 को कंटिन्यू फिलहाल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई 2022 में हमको द फैमिली मैन सीजन 3 देखने को नहीं मिलेगा। तो जो अगर चूतिया यूट्यूबर्स आपको ये बोले तो समझ लेना या तो वो खुद चूतिया या तो वो आप लोग को चूतिया बना रहे, क्योंकि राज एंड डीके का एक सबसे बड़ा ड्रीम है कि उनको SRK के साथ एक मूवी में काम करना है। और उन्होंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है, बस SRK की हाँ की वेट है, यानी कि शाहरुख खान की। जिस दिन शाहरुख खान हाँ बोलेगा, तो राज एंड डीके सब चीज़ को हटा के सबसे पहले किंग खान शाहरुख खान के साथ वो अपना प्रोजेक्ट करेंगे। तो द फैमिली मैन सीजन 3 की बात को तो यस, उस पर वो ज़रूर काम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहे। समझ में आया नहीं समझ में आया, तो फिर वही चूतिया यूट्यूबर्स लोगों के वीडियो देखो जो आप लोगों को बहुत ही बड़ा CP बना रहे हैं। खैर, उसके अलावा हम लोग अगर डार्क हिंदी डब की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा दिल है वो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि ऐसी अपडेट मुझे पता चली जिसके बाद मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा। तो आप लोग क्या यकीन करोगे, सबको ऐसा लग रहा था कि भाई डार्क की हिंदी डबिंग हमें जुलाई तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये अपडेट निकल कर आई है उससे तो साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि भाई नेटफ्लिक्स वालों ने यहाँ पर बहुत बड़ा कांड कर दिया। उन्होंने ये किया है कि एलाइट सीरीज़ जो कि सीजन 4 उसका इसी मंथ में जून 18 में रिलीज़ होने वाला है, तो उन लोगों ने उसकी हिंदी डबिंग पहले की है। लेकिन नेटफ्लिक्स वालों का भी सोचना बहुत सही है, क्योंकि डार्क सीरीज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है और उस पर सीज़न 4 नहीं आने वाला, तो इसलिए ऑडियंस उसके लिए इतना डेस्परेट नहीं होगी। लेकिन जो सीरीज़ का सीज़न 4 आने वाला है, तो अगर उसका हिंदी डब डालेंगे तो नेटफ्लिक्स वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो लोगों ने पहले इलाइट सीरीज़ का हिंदी डब करने का डिसीजन लिया। इस वजह से इलाइट सीरीज़ की हिंदी डबिंग चल रही है और बहुत ही जोरों शोरों में चल रही है, इतनी जोरों शोरों में चल रही है कि ऑलमोस्ट उसके 2 सीज़न से ज़्यादा डबिंग हो चुकी है और लास्ट सीज़न डबिंग कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता कि सीज़न 4 भी रिलीज़ होने वाला है इसी मंथ, तो चांसेस ये है कि वो भी हमें डायरेक्ट हिंदी में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। और रही बात डार्क हिंदी डब की, तो भाई डेफिनेटली वो अब इस डबिंग के बाद ही स्टार्ट होगा, यानी कि आप लोग मान के चलो मे बी जुलाई या अगस्त में ये शुरू होगा और इसी साल देखने को मिलेगा, ये आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और अब फाइनली असुर 2 की बात करूँ तो यस, ये हमारी इंडिया की मच 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 अवेटेड सीरीज़ में से एक है और सबको ऐसा लग रहा था कि असुर 2 भी इसी साल रिलीज़ होगी। लेकिन जिस हिसाब से काम चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ लग रही है कि भाई असुर 2 हमें इस साल देखने को नहीं मिलेगी। मुझे मालूम है सुन के आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन फैक्ट बात यह कि असुर 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट 15 दिन की हुई है जहाँ तक मुझे पता है, और उसके अलावा इसका मेजोरिटी पोर्शन अब शूटिंग करना बाकी, और ये शूटिंग इस मंथ के 15 तारीख के बाद ही शुरू होगी और शूटिंग कम से कम 3 महीना चलेगी। तो अगर आप लोग अंदाज़ा भी लगा लो तो शायद सितंबर या अगस्त तक इसकी शूटिंग चलेगी, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होगा, फिर दुनिया की तामझाम हो गए। अगर मेकर्स ने कोशिश भी की तो मरी से मरी हालत में वो लोग दिसंबर में रिलीज़ करेंगे असुर 2, अगर मरी से मरी हालत में वो लोगों ने कोशिश की है तो, वरना ये आपको डेफिनेटली जनवरी फरवरी या मार्च, यानी कि 2022 के ये स्टार्टिंग के 3 मंथ में आपको डेफिनेटली असुर 2 देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस साल की बात करें तो वो लोग भी आपका बहुत बड़ा चू काट रहे हैं और कुछ नहीं। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बोल दूँ कि एक ऐसा चूतिया यूट्यूबर है जो KGF का एम्बेसडर है, यानी कि प्रशांत नील भी जब उसके वीडियोज़ देखता होगा तो सोचता होगा यार साला हमने ये अपडेट कब निकाली, ये तो मतलब आउट ऑफ दी बॉक्स होकर कुछ भी बोलने लगता है। मतलब वो दिन दूर नहीं है जब अगर यश पा देगा नहीं भी ना, तो वो बोल देगा कि वीडियो में कि यार यश ने पा दिया, मतलब वो उस पर भी अपडेट दे देगा। तो आप सोच लो कि जितने भी जो चूतिया यूट्यूबर्स हैं वो किस लेवल की चूतियागिरी कर रहे हैं, तो थोड़ा उससे सतर्क रहो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।